अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसे कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी कैसे बनाऊँ, ताकि आप भी अपने घर पे इसे इजीली बना सकें। यहाँ पे मैंने 1 kg के तकरीबन चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और इसके बाद मैंने इसमें 200 ग्राम दही भी ऐड किया है। दही को अच्छी तरह से फेंट करके डालिएगा आप इसमें। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिएगा आप इसमें। और इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारे मसालों को चिकन के साथ मिला लेने के बाद इसे हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और 1-1 टेबल स्पून आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दीजिएगा, मैं उसे शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 पीस बड़े साइज के प्याजों को लेकर के उसे फ्राई कर लिया है। इसे मैंने डार्क गोल्डन फ्राई किया है। यहाँ पे मैंने प्याजों को जिस ऑयल में फ्राई किया है, अब हम चिकन भी उसी ऑयल में पकाएंगे। अब भी उसी ऑयल में पकाइएगा, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने 4 पीस तेज़पत्ते लिए हैं और 3 ली है मैंने ये छोटी इलायची, हरी वाली इलायची। और मैंने 2 टुकड़े लिए हैं दालचीनी के। यहाँ पे मैंने 2 पीस बड़ी इलायची ली है, जो कि काली वाली इलायची है। और यहाँ पे मैंने 4 पीस लिए हैं लौंग के। इन सारी चीज़ों को अब हम अपने तेल में ऐड कर देंगे। बड़ी इलायची और छोटी इलायची को आप थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ से खोल करके डालिएगा, उंगलियों से प्रेस कीजिएगा, वो खुद खुल जाएंगे, जिससे कि उसका फ्लेवर हमारे चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। ऑयल में खड़े गर्म मसाले डालने के बाद अब हम इसमें मैरिनेट किए हुए अपने चिकन को भी ऐड कर देंगे। अगर मेरी रेसिपीज़ की वीडियोज़ आप लोगों के लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियोज़ को फुल वॉच और लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल शाइंस डायरी को सब्सक्राइब कीजिए, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके बेल बटन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए, इसके कोई चार्जेस नहीं है। गैस के फ्लेम को हम हाई पे रखेंगे और हम अपने चिकन को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी इसके अंदर ऐड किया है। हाई फ्लेम पे अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक कर के पकाएंगे। और यहाँ पे मैंने दोबारा से कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े लिए हैं दालचीनी के। और यहाँ पे मैंने 1 जायफल के 3 से 4 टुकड़े कर लिए हैं। इन मसालों को हम थोड़े से पानी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। यही मसाले हैं जो हमारे चिकन कोरमा को एक अलग सा फ्लेवर देंगे और अलग सा बहुत ही अच्छा सा स्मेल देंगे। चिकन को हाई फ्लेम पे 15 मिनट ढक करके पकाने के बाद अब हम इसे बिना ढके ही मीडियम टू हाई फ्लेम पे 10 मिनट और अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे। और इस पॉइंट पे हमने जो अपने गर्म मसालों वाला पानी बनाया था वो भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद मैंने इसमें 15 से 20 काजुओं को थोड़े से दूध के साथ ग्राइंड करके उसके भी पेस्ट को इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हम अपने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखेंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर ग्राइंड किए हुए प्याजों को डाला है। जिन प्याजों को हमने डार्क गोल्डन ब्राउन फ्राई किया था, मैंने उन्हें बिना पानी के साथ बिल्कुल सूखा ही ग्राइंड किया था। प्याजों को हम बिल्कुल सूखा और दरदरा सा ही ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड किए हुए प्याजों को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें पानी डालिएगा। जिस जार में मैंने गर्म मसालों को ग्राइंड किया था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी लेकर के और चिकन में ऐड किया है। हम इसे बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम अपने चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे कुक होते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए। और मैं इसके अंदर 1 चम्मच केवर वाटर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो इसके अंदर मसाले डाले हैं वो इसकी खुशबू और जायके के लिए काफ़ी हैं। देखिए यहाँ पे हमारा चिकन कोरमा रेडी हो चुका है, बहुत ही इजीली और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमने इसे बनाया है। मैंने यहाँ पे उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो कि ईजिली आपके किचन में भी अवेलेबल हो। हमारा चिकन कोरमा बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है और बहुत टेंडर बना है ये। देखिए मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। मसालों का फ्लेवर इसके रेशे रेशे में होगा, आप जिन्हें भी खिलाएंगे वो बहुत ही तारीफ करेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइए, खाइए और खिलाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।